उत्तराखंड भाजपा इन दोनों अपने संगठनात्मक चुनावों में जुटी हुई है। जिलों में चुनाव अधिकारी लगभग तय हो चुके हैं, साथ ही वहां चुनाव प्रभारियों का गठन किया जा रहा है। भाजपा के चुनाव अधिकारी केदार जोशी के अनुसार सभी जिलों में लिस्ट लगभग जारी हो चुकी है। जिलों के जल्द चुनावों की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। उनके अनुसार नवम्बर तक चुनाव पूरे हो जाएंगे और नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इन दिनों कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के विभागों से जुड़े हुए दो मामले राजभवन की रडार पर है। रुद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए उपनल संस्था के पैसों के उपयोग मामले और हरक सिंह के बहनोई को भरसार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार बनाने के मामले में राजभवन में दोनों विभागों से जवाब तलब किया है। इन दोनों मुद्दों पर हरक सिंह रावत ने सफाई देते हुए कहा कि सैनिक स्कूल का निर्माण सैनिकों की भलाई के लिए किया जा रहा है, इसलिए सैनिकों को कल्याण के लिए बनी संस्था उपनल का पैसा वहां लगाया गया। हरक ने यह भी कहा कि उनके बहनोई भरसार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति का फैसला उन्होंने नहीं लिया था, ये फैसला मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ही लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों इन दिनों विदेश दौरे पर हैं, लेकिन देश में विदेश यात्रा की चर्चाएं राहुल गांधी की ही हैं। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर राहुल की छुट्टी पर जाने का दावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस भी विरोध में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि बार बार उसी का विरोध किया जाता है, जिसे सबसे ज्यादा डर लगता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे ज्यादा इन दिनों राहुल गांधी से ही डरी हुई है, इसीलिए वो जहां भी जा रहे हैं भाजपाइयों को उनका मात्र विरोध करने से मतलब है, मगर बीजेपी जितना विरोध करेगी कांग्रेस में उतना ही उत्साह बढ़ेगा। सीएम हरीश रावत की दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में सीएम ने रेल मंत्री के नाम खत लिखा है, जिसमें सीएम ने दून के हर्रावाला में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन बनाए जाने की गुजारिश की है। सीएम ने लिखा है कि हर्रावाला प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल में लिया जाना है, इससे रेलवे पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। भूमि के चिन्हीकरण और अधिग्रहण की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाने का को तैयार है। सीएम हरीश रावत सचिवालय कर्मियों के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सचिवालय कर्मियों के वार्षिक कार्यों का विकास पुस्तिका निशांत का विमोचन भी किया। इस मौके पर सीएम ने सचिवालय के कर्मचारियों को नसीहत दी कि हमें अपनी कार्य संस्कृति बदलनी होगी, जिससे जनता की समस्याएं जल्द सुलझ सके। 2003 में रुकी हुई पटवारी भर्ती को राज्य सरकार ने खोल दिया है। गुरुवार से जिलेवार इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश भर में 550 पटवारियों की भर्ती के साथ साथ लेखपालों की भी भर्ती की जाएगी, इससे कई युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि तिवारी सरकार के दौरान हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री थे, तब पटवारी भर्ती में घोटाले का आरोप लगा था, तभी से भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन रावत सरकार ने पटवारियों की कमी को देखते हुए भर्ती करनी शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के अनुसार पर्वतीय जिलों में पटवारियों की बेहद जरूरत थी, इसलिए सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है। होटल व्यवसायी के परिवार को बंधक बनाकर लूट करने और जबरन स्टाम्प पेपर में होटल अपने नाम करवाने का एग्रीमेंट कराने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड की है। पुलिस ने बिजनौर के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार की रात को चारों आरोपी घर में घुसे और घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल और स्टाम्प पेपर बरामद करने का भी दावा किया है। वहीं आरोपियों ने भी अपनी सफाई देते हुए कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रामनगर में पीएनजी महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने कब्जा कर लिया है। एनएसयूआई के सुमित लोहनी ने सीधे मुकाबले में एबीवीपी के गौतम पांडे को 900 से ज्यादा मतों से हराया। इस दौरान जीत का जश्न मना रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के कार्यालय में लगी होर्डिंग को फाड़ डाला। इस दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी भी की, जिसमें दोनों ओर से दो दो कार्यकर्ता घायल हो गए। बाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रशासन से हुई वार्ता और कार्रवाई के भरोसे के बाद वो धरने से उठ गए। हरिद्वार पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब केरल में एक नन सिस्टर की हत्या कर फरारी काट रहे हत्यारोपी सतीश बाबू को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सतीश बाबू को शहर के एक धर्मशाला से गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार पुलिस को यह कामयाबी केरल स्थित कोट्टायम के पुलिस अधीक्षक की सूचना पर मिली। कोट्टायम के एसएसपी ने हरिद्वार एसएसपी को सूचना दी थी कि सतीश बाबू नाम का एक हत्यारा हरिद्वार में छिपा हो सकता है। इस सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने धर्मशालाओं की चेकिंग की, जिसके बाद बताए गए खुलिए के बिना पर सतीश की गिरफ्तारी हुई। सतीश बाबू पर केरल में आधा दर्जन से अधिक संगीन वारदातों के मुकदमे दर्ज हैं। उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक एम ए खान को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने उन्हें राहत देते हुए रिटायर होने के बाद भी सभी सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल
अदरक घोटाले में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद खान को सस्पेंड किया गया था। हालांकि शासन की जांच में किसी भी तरह के गबन की पुष्टि नहीं हुई है, मात्र कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियां ही होने की बात जांच में सामने आई है। ऐसे में शासन ने खान पर लघु दंड देने की संस्तुति की थी, लेकिन एम ए खान रिटायर हो गए हैं। ऐसे में किसी भी तरह का लघु दंड उन्हें नहीं दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उनकी सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दे दिए हैं। नई टिहरी के पीजी कॉलेज में पिछले दो महीने से छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है और ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र पीजी कॉलेज नई टिहरी को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे, लेकिन कॉलेज प्रशासन की मनमानी के चलते सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि लिंग दोह कमेटी ने साफ किया है कि चुनाव की पहली तारीख के निरस्त होने के बाद 6 से 8 हफ्ते तक चुनाव किया जाना जरूरी है। कॉलेज नियम के मुताबिक चुनाव कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन छात्र विश्वविद्यालय के कदम से नाराज हैं। धर्मनगरी में मंचले की छेड़खानी से तंग आकर एक नाबालिग ने अपनी जान दे दी। मामला इंदिरा बस्ती कॉलोनी का है। आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले प्रिंस नाम के एक युवक के लड़की के साथ उसने छेड़खानी की थी। हत्या तब हो गई जब उसने स्कूल से आते वक्त न सिर्फ उससे मारपीट की बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। लोकलाज से परेशान छात्रा ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने छेड़खानी की पुलिस को शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने से भगा दिया। हालांकि अब पुलिस इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। पुलिस की दलील है कि लड़की के सुसाइड नोट में इस तरह का कोई जिक्र नहीं। हरिद्वार में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। थाना घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल की है, जहां हरियाणा की रहने वाली युवती के साथ दो युवकों ने गैंगरेप किया। इस दौरान पीड़िता ने दरिंदों से बचकर 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दून हाईवे स्थित एक होटल में पीड़िता को दरिंदों के चंगुल से छुड़ाते हुए दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर दोनों युवक उसे हरिद्वार लाए और एक होटल में युवती को बंधक बनाकर बलात्कार किया। दोनों आरोपी युवक हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं। देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग का रंगारंग शुभारंभ किया गया। ओपनिंग सेरेमनी में पूर्व क्रिकेटर मदन लाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यूपीएल के ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री कायनात अरोड़ा भी मौजूद थे। मंच पर यूपीएल में शिरकत करने वाली सभी जिलों की टीमों के कप्तानों से परिचय प्राप्त करने के साथ ही कायनात ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ मैदान में आना चाहिए। देहरादून में मसूरी मार्ग की गहरी खाई में महिला का कई दिनों पुराना शव मिला है। पुलिस शव की शिनाख्त नहीं कर पाई है। पुलिस को आशंका है कि महिला की मौत एक्सीडेंट में हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नैनीताल के डीएसबी कैंपस में 30 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होगा। हर एक प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कॉलेज परिसर पूरा चुनाव के रंगों में रंगा हुआ है। छात्र कॉलेज में प्रचार कर सभी से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। बिना पानी बेहाल हो रहे लोगों के सब्र का पैमाना आखिरकार आज छलक ही गया। स्थानीय महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया और एनएच 109 पूरी तरह से जाम कर दिया। दरअसल हल्द्वानी के गौरापड़ाव क्षेत्र में पिछले एक महीने से पानी नहीं आ रहा है, जिससे 6 गांवों के लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी का जब कोई हल नहीं हुआ तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया और हाईवे जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक लगे जाम की वजह से राहगीरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और ग्राम प्रधान के आश्वासनों के बाद जाम बमुश्किल खुलवाया गया।